अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने किचन में साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे। तो देखिए हमें खिचड़ी के लिए क्या क्या लगता है। ये साबूदाना है भीगा हुआ, मैंने एक घंटा पहले भिगाया था और इसका पानी निकाल लिया है छन्नी में। ये सेंग है, इसे मैंने भून के इसके छिलके उतार लिए हैं। यह हरा धनिया है और एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और थोड़ा सा मैंने कलौंजी लिया हुआ है। मैं कुछ कुछ अभी डिश में कलौंजी डाल रही हूँ, वो इसके लिए कि अभी आप लोग को पता है कि ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है उसके लिए कलौंजी हमें शिफा देती है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कलौंजी की तारीफ़ की है। और ये नमक, हस्ब ज़ायका, ये राई हम तड़के के लिए लेंगे और कुछ कड़ी पत्ते लेंगे। मैं ले लेती हूँ, ये देखिए मैंने कुछ कड़ी पत्ते भी ले लिए। अब मैं पैन चढ़ाई हूँ गैस पर, हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। मेरे पास ऑलरेडी गर्म किया हुआ तेल है जिसमें मैंने अभी इफ्तार के लिए भजिए बनाए थे, वही तेल मैं यूज़ में ले रही हूँ। इसमें हम डाल लेंगे राई, कड़ी पत्ता, हम ये कलौंजी डाल लेंगे और हम डाल लेंगे हल्दी हाफ टी स्पून। ये सेंग ऑलरेडी हमारे भुने हुए थे, इसके लिए हम इसे ज़्यादा नहीं उकड़ते, भूनते नहीं हैं, दाल नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे साबूदाना। अब हम इसमें 1 टीस्पून से भी कम नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। देखिए ये रेडी है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। अब हम इसे सिम पे स्लो पे रखकर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, अब हम सर्व कर लेंगे इसे। ये देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।